हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम करेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर टू कैट अ प्रोडक्ट। हमारे पास आंसर क्या आता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 3। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं देन हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 12 क्या है इनका प्रोडक्ट और ये दोनों क्या हैं 12 के फैक्टर। ये दोनों के टेबल में 12 आते हैं इसलिए ये दोनों क्या हैं 12 के फैक्टर्स। अब देखिए, जैसे हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 6 × 4 देन 6 × 4 = 24। 6 और 4 क्या हो जाएंगे 24 के फैक्टर्स। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी गिवन नंबर के हम फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है, हमें आ गया कि हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं 12 की। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 4 और 3 तो हैं बट हमें 12 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें पता है 1 के टेबल में हर नंबर जाता है, तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 × 12 = 12। देन 2 के टेबल में भी 12 आता है, कितने पे आता है 6 × 2 = 12। देन 3 × 4 = 12 होता है। देन अगेन 4 के टेबल में जाएगा, 4 × 3 = तो हम यहाँ लिख देंगे 4 × 3 = 12। देन अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद 5 पे तो नहीं आएगा, 6 पे जाएगा, 6 × 2 = 12। एंड देन उसके बाद सीधा अपने ही टेबल में जाएगा, 12 × 1 = 12। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है क्या होता है जब आपके पास नंबर रिपीट हो जाए। जैसे यहाँ देखिए, 3 × 4 = 12 था, तो सेम नंबर वही पैटर्न, बस प्लेस चेंज होगी, 4 × 3 = 12 हो गया। तो आपको ये सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे आप वहीं से ढूंढ सकते हैं। देखिए, 1 यहाँ पे हम पहले इसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। क्या क्या फैक्टर्स हैं देखिए, 1 देन 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे क्या हैं 12 के फैक्टर्स। और अगर हम यहाँ तक ही लिख लेते फिर भी हमें सारे मिल जाते, कैसे, ऐसे। ये देखिए, 1 2 3 4 6 12। तो जब आपके रिपीट हो जाए वहीं पे छोड़ के आप ऐसे यू फॉर्म कर दीजिए और यू के अंदर आते सारे नंबर्स लिख देने, वो सारे आपके उस पर्टिकुलर नंबर्स के क्या होंगे फैक्टर्स। अब देखिए, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60। अच्छे से समझने के लिए अगेन हम स्टार्ट तो 1 से ही करेंगे, 1 60 = 60 आ जाएगा। देन हमारे पास 2 30 = 60, 2 के टेबल में 30 भी जाता है। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को 60 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कितने पे जाते हैं। देन 3 के टेबल में भी जाते हैं, 3 × 20 आ जाएगा हमारे पास 60 यहाँ पे। देन 4 के टेबल में आपने देखने जाता है कि नहीं, 4 के टेबल में भी जाता है 15 पे, 4 × 15 = 60। और अगर आपको किसी टेबल में नहीं समझ आता कि वो कितने पे जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली 60 को उस नंबर से डिवाइड, आप 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 15 ही आएगा। देन 5 के टेबल में भी 60 जाते हैं, 5 × 12 = 60 होता है। देन 6 के टेबल में भी जाते हैं, 6 × 10 = 60। अब इसके बाद आप देखिए, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, 9 तक किसी टेबल में 60 नहीं आ रहा है, पर 10 के टेबल में आता है 10 6। सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना पैटर्न, जैसे हमने अभी समझाया था मैंने आपको कि जब यहाँ पे सेम हो जाएगा, यहाँ भी अब नेक्स्ट नंबर होगा 10 × 6, फिर होगा 12 × 5, फिर 15 × 4, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें बार बार लिखने की कोई नीड नहीं होती यहाँ पे, बस आप यू बनाइए और सारे फैक्टर्स लिख दीजिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 60 = 1 2 3 4 5 6, देन 10 12 15 20 30 एंड 60। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं 60 के फैक्टर, विच मीन इन सब के टेबल पे 60 जाता है, ये मतलब होता है फैक्टर। मीन्स इन सब के टेबल पे जितने भी नंबर्स हमने लिखे इन सब के टेबल पे 60 जाता है। इट मीन्स ये सारे नंबर 60 से डिवाइड होते हैं। अगर हम इनको 60 को इन सब नंबर से डिवाइड होंगे तो 60 एग्जैक्ट इनसे डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करके देखें, देखिए 60 को हम 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 × 4 = 60, नो रिमाइंडर। ऐसे इन किसी नंबर से भी हम करेंगे 60 को डिवाइड तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं 60 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या लिखा है, मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विद अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जो हमारी सारी काउंटिंग है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन,
इट मीन्स अगर मैं बोल लूँ 3 का मल्टीपल क्या है, 3 का मल्टीपल जो 3 के टेबल में जाते हैं जैसे 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, बट आई कैसे 3 को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जाम्पल 3 वन ज़ा 3, देन 3 को सेकेंड काउंटिंग नंबर से किया 2 से, 3 2 ज़ा 6, देन 3 3 ज़ा 9, देन 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन। तो अगर हम काउंटिंग नंबर्स के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मल्टीपल। अब देखिए हमारा ऐसे भी आ सकता है हमें क्वेश्चन टू चेक इफ़ वन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अदर और नॉट, कि कोई गिवन नंबर हमें दिया और हमें ये चेक करना है कि वो दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इज 29 अ फैक्टर ऑफ 783 और नॉट, तो हमें क्या करना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये गिवन नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं, तो आपको उससे क्या करके देखना है, डिवाइड। जैसे मैंने 29 को इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर पूरा पूरा चला गया और नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो इट मीन्स यस 29 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो हम क्या लिख देंगे, यस 29 इज़ अ फैक्टर ऑफ 783। इट मीन्स अगर हम 783 को 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27, और वाइस वर्सा अगर हम इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस 21 अ फैक्टर ऑफ दिस, तो हमने डिवाइड किया हमारा रिमाइंडर आ गया, तो हम लिख देंगे नो 21 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1189, 21 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा नहीं जा रहा और रिमाइंडर बच रहा है हमारा। ये 2 questions हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 8 अ फैक्टर ऑफ 72 एंड पार्ट 2 इज 27 अ फैक्टर ऑफ 1254। ये आपको सॉल्व करने और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब हम करेंगे फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, 1 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, अभी हमने पीछे भी समझा है, तो फैक्टर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 into, जैसे 12 के फैक्टर थे, तो 1 into 12, 12, तो फर्स्ट फैक्टर उसका 1 था। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1 ऑलवेज। एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हम ले लें उसका खुद का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो अपने आप वो नंबर ही होता है इट्स सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल हम 8 का अगर फैक्टर निकालेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर 8 होगा, 17 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर 17 होगा, ऐसे 45 के और भी फैक्टर, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा इसका, 45। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल जो हमने अभी किया था, हमने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या था 12 का, 12, और 60 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या था 60, सबसे लीस्ट स्मॉलेस्ट 1 और सबसे बड़ा वो नंबर इट्सेल्फ। देन अब इसके बाद एवरी नेचुरल नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 factors, एटलीस्ट 2 factors तो होते ही होते हैं, जैसे 1 एंड अ नंबर इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 7 इज़ अ प्राइम नंबर जो अपने टेबल में जाता हो, किसी के टेबल में जाता है, उसके 2 factor हो सकते हैं, एक 1 and 7। ऐसे ही 15 के और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि एक नंबर के 2 factors तो होते होते हैं, एटलीस्ट 1 factor नहीं हो सकता, वो नंबर और 1 and that number itself। Then every factor other than itself is less than the given number। For example, मुझे 6 के factors find करने हैं, 1, 2, 3, 6 होंगे, तो सारे के सारे factors 6 से क्या होंगे, smaller, क्योंकि 6 सबसे बड़ा है अपने उस factor का, तो 1, 2, 3, 6 में से बाकी सारे number 6 से क्या होंगे, छोटे। I hope आपको factors and multiple का concept समझ आ गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।